सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में आप किस तरह से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन होता है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में, वो कहां पे आपको मिलेगा, वो सेटिंग्स कौन सी है और कहां से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल सेफ्टी रहेगा, कोई भी कॉल आएगा या जाएगा उससे को आप अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना कोई सेटिंग किए। बाद में अभी सेटिंग कर लेने के बाद आपका ही बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ़ोन का जो होता है स्टोरेज, इसको ओपन करना है, जहाँ पे डायल पैड आप करते हैं, कहीं भी फ़ोन कॉल लगाते हैं यहाँ पे। इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डॉट्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, या 3 डॉट्स वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे नीचे से 2 नंबर में सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है रिकॉर्ड कॉल्स, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे जो भी यहाँ पे है टोटल्स यहाँ पे डिसेबल है, इसे आप इनेबल कर दीजिएगा, आपका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में जो दिया है न्यू नोटिफिकेशंस, इस पर अगर इसको इनेबल करते हैं और जब भी आपका जो कॉल रिकॉर्ड होगा तो आपको वहाँ पे शो होगा। अगर इसको डिसेबल कर देते हैं और जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है आपका रिकॉर्ड होगा उसके बाद आप वहाँ पे शो नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्ड जो दिए हुए नीचे, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको इनेबल कीजिएगा तभी आपका कॉल रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनेबल कर दिया है, तो ऑल नंबर से यहाँ पे बता रहा है, तो जितना भी कॉल आएगा इस नंबर पर अब सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इस पर हम क्लिक कर देते हैं अगर यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स पे, तो हमारे सामने इसका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक नंबर जो ऑल नंबर्स दिया हुआ है इस पर रहेगा, तो हमारा पूरा जितना भी कॉल आएगा जाएगा सभी रिकॉर्ड होता रहेगा। और नीचे 2 नंबर में हम करते हैं तो यहाँ पे अनसेव नंबर से कॉल आएगा और या जाएगा तो उस रिकॉर्ड होगा, जैसे कि जो सेव नंबर नहीं है उससे। और यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का नंबर, जो भी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे केवल उसी नंबर का जो कॉल है रिकॉर्ड होगा, बाकी किसी भी नंबर का कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में। अगर इसे चाहते हैं आप डिसेबल करना, यानी कि चाहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर से इसको आपको इनेबल और डिसेबल कर देना है। और यहाँ से इस तरह से अब हो जाएगा डिसेबल, तो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है अब नहीं रिकॉर्ड होगा। तो किसी इस तरह से इंस्टॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल।